एक वो भाई गांव के दो मोलड़ आदमी ट्रेन में चढ़ लिए और दोनों जने नु बोले बाजी तो है ना ट्रेन रुकावांगे, ट्रेन रुकान दिया ना अपने पोते होंगे ना वो भी नु सोचेंगे अरे हमारे बाप दादा ने है ना किसी टाइम में ट्रेन रुकाई थी। तो वह नून ने देखा बोले बिना काम ट्रेन रुकाने पर 500 रुपये जुर्माना लिया जाएगा। उन्होंने सोची वो 500 रुपये तो कोनी के करा, नू सोचे चलो देखी जाएगी। तो एक जना नू बोलिया बनू देख कितने रुपये तेरे पे, बोलिया भाई 100 तो मेरे पर रुपये हैं, बोले तेरे पे, बोले 30 मेरे पे हैं, बोले 130 से होए वो 500 तो पूरे भी को नहीं होए के करा, बोले देखी जाएगी। चल ट्रेन की भाई खींच दी चैन होया कर भीतर डब्बा में, ट्रेन रुक गई, ट्रेन के कर्मचारी आए बोले किसने रोकी है, किसने रोकी है, एक बणिया बैठा था उसका नाम ले दिया, बोले जी इसने रोकी है, बणिया स्याणा होया करे, उन्होंने बोले हाँ जी मन्ने रोकी है, बोले अब क्यों रोकी तने, बोले रोकी के जी मेरे रुपये खोस लिए इन्हें। वह दोनों नाटे, बोले जी हमने को नहीं खोसे, झूठ बोल रहे, बोले जी ना खोसे हैं इन्हें ना खोसे हैं, बोले खोसे हैं तो नू बता कै कै रुपये ले रहे हैं ये, बोले जी यो तो 100 रुपये ले रहा है, अरे यो 30 ले रहा है, बेशक चेक कर लो। तो दोनों अन पकड़ की ले गए, दो चार चट्टू मार के छोड़ दिए। फिर आ गए डब्बा में, बोले बढ़िया थी, कहने लगे बहुत बहुत धन्यवाद, बोले धन्यवाद की के बात से भाई, मैंने तो हम फंसवा दिए, बोले वो फंसवाए को नहीं, तो जो काम मारा 500 में होना था ना वो 130 में हो गया।